महोबा जिले में कचरे के ढेर से उठी चिंगारी से भड़की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग ने आसपास के घरों को अपने आगोश में ले लिया। आग की चपेट में आए घरों में रखा लाखों रुपए का गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर एक घंटे की देरी से पहुंची अग्निशमन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुगीरा गांव का है, जहां के रहने वाले सोनू महाराज के मकान के पास पड़े कचरे के ढेर से उठी चिंगारी से मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर आसपास के तीन मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मकानों में रखा लाखों रुपए की गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद एक घंटे की देरी से पहुंचे दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मुमताज मोहम्मद, जो कि प्रत्यक्षदर्शी है, उसने बताया कि सोनू महाराज के घर में आग लगी थी, जो हमारे बड़े पापा के घर तक फैल गई। वहीं बलवान सिंह, प्रत्यक्षदर्शी, ने बताया, हम अपने घर में सो रहे थे, जब बाथरूम के लिए उठे तो देखा कि सोनू महाराज के मकान में बहुत भयंकर आग लगी थी। इस आग में 2.5 से 3 लाख का नुकसान हुआ होगा। वहीद अहमद, महोबा, यूपी। हम अपने घर में सो रहे थे तो हम बाथरूम के लिए जागे तो हमने देखा कि आग बहुत भयंकर फैली हुई थी, बहुत ऊंचे तक दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम अपने घर पे खड़े, हमने चिल्लाया, जब सारे मोहल्ले वाले जग गए, फिर इसमें आग को पानी लेकर आए और आग को बुझाया, इसमें आग बहुत काबू हो चुकी थी। नाम क्या है? बलवान सिंह। बलवान सिंह, कहाँ कहाँ लगी थी आग? ये सोनू महाराज के यहाँ। कितना नुकसान हो गया? इसमें नुकसान हो गया होगा कम से कम लगभग 5 लोगों का नुकसान हुआ है। लगभग 5 लोगों का नुकसान हुआ है, लगभग अंदाज से 3-2.5-3 लाख के समथिंग। हाँ, मैं मुमताज मोहम्मद, ग्राम पंचायत से, और यहाँ पर सोनू महाराज के घर में आग लगी थी, तो वो बढ़ते बढ़ते नूर मोहम्मद हमारे बड़े पापा के मकान में लगी, तो उसमें भूसा भरा था, उसमें पकड़ गई आग, तो बेकाबू हो गई। सभी लोग आसपास के सभी लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने बाल्टी लेकर के बुझाने की कोशिश की, लेकिन बुद्धा काबू नहीं हुई। एक घंटे बाद दमकल की गाड़ी आई, उसने लगाया समरसियल, आसपास के सभी चालू करवाए, तब जाके आग काबू पाया गया। लगभग 3 से 5 लाख के आसपास में नुकसान है। कुछ जानमाल का नुकसान? जानमाल का कोई नुकसान नहीं है, बस यही घर जले हैं, और इसमें भूसा वूसा भरे थे, और इसमें अनाज भरा था तो वो जल गया है, और उस तरफ माल लकड़िया गड़िया अनाज और भूसे का नुकसान है, उसी से आगे बढ़ी। कोई हताहत तो हुआ नहीं है? कोई हताहत की कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई जान नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस ये है कि काबू पा लिया गया, यही है कि ये अनाज का नुकसान हो गया, जो घर टूट गए, इसका ज्यादा नुकसान। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।